राजनांदगांव जिले में मानपुर पुलिस डिवीजन में सीतापुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक युवक मानिक संडे को गोली मार दी। नक्सलियों की गोली मारते ही युवक भागते हुए थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी। आनंद फानन में घायल युवक को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मानपुर नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल SP पुपलेश पात्रो ने इस घटना की पुष्टि की है। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट ऑफिस कॉलोनी निवासी प्रियेश बग्गा के ऊपर 15 अगस्त की रात पेट्रोल बम फेंककर हमला करने वाले 3 आरोपी अमन सिंह, रामकुमार व युवराज सिंह को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन इंडिवियर कार को जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। धरमलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष के पद से छुट्टी कर दी गई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने नारायण चंदेल पर बड़ा सियासी दांव खेला है। नारायण चंदेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बुधवार को खुर्सीपार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी क्रेन ट्रेडिंग कंपनी महालक्ष्मी ट्रेडिंग और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स को सील किया गया। BSP इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा बुधवार को अचानक की गई यह कार्रवाई अवैध कब्जे को लेकर की गई है। नारायणपुर पुलिस ने 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। उक्त महिला नक्सली कई वारदातों में शामिल थी। आरोपी को पुलिस की एरिया डोमिनेशन पार्टी ने ग्राम कावानर के जंगल में महिला नक्सली सुकमती कुमेटी उर्फ रीमा को पकड़ा है। नक्सली कंपनी नंबर 6 की सदस्य सुकमती कुमेटी उर्फ रीमा के ऊपर राज्य शासन द्वारा पद के अनुसार 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पेंड्रा में हुए सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के एक छात्र की मौत हो गई। हादसा पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले RMKK रोड पर हुआ। नीलेश बुधवार को अपनी बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन बंजारी घाट पर अज्ञात हाईवा चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में छात्र नीलेश की मौके पर ही मौत हो गई। कैंप 2 भिलाई में रहने वाले 6 दोस्तों का रायपुर के अभनपुर में एक्सीडेंट हो गया। सभी दोस्त पिकनिक मनाने गरिया बन गए हुए थे। पिकनिक मना के लौटते समय इनकी कार अभनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 5 युवकों को रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नगर निगम कॉलोनी महाराणा चौक में किराए के मकान में दबिश देकर पुलिस ने देह व्यापार के अवैध धंधे में संलिप्त 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 युवक जांजगीर जिले के बताए जा रहे हैं, वहीं 3 महिलाएं कॉलगर्ल बताई जा रही हैं। बीजापुर जिले की पुलिस ने ग्रामीण से मारपीट एवं लूट की घटना में शामिल माओवादी को गिरफ्तार किया है। DRG एवं थाना गंगलूर के बल की संयुक्त कार्रवाई की है। एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले थे। गंगलूर टोंडापारा से एक माओवादी मंगू ताती और मुंडा को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर की गुढ़ारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोगांव स्थित केटला तालाब मंदिर के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे 3 आरोपी महेंद्र सिंह ठाकुर, बंसी साहू, अर्जुन साहू को गिरफ्तार कर उनके पास से 60,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में घूम रहे अरविंद कुशवाहा को पकड़कर उनके पास से चोरी की बाइक को जब्त किया गया है। जब्त बाइक की कीमत 30,000 रुपए आकी गई है। सूरजपुर जिले की प्रतापपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाड्रफ नगर की ओर से विश्रामपुर की ओर स्कूटी से जा रहे मोहम्मद एजाज व संतोष गुप्ता को पकड़कर उनके कब्जे से नशीली कप सिरप ऑनरेक्स 80 नग जब्त किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत करीब 60,000 रुपए है। कांकेर जिले की कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर शहर के दुधावा चौक से SUV कार से 22 लाख का गांजा लेकर जा रहे 3 आरोपी सचिन कुमार, उपेंद्र सिंह व गजन सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक सचिन कुमार आर्मी का पूर्व जवान भी शामिल है। आरोपी के पास से 221 किलो गांजा बरामद किया गया। बिलासपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। चलती कार में धुआं उठते देख चालक ने उतरकर अपनी जान बचाई।
उसने पानी मांगकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आग की लपटें उठने लगी थी। कार में आग लगने की यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौक की है। बिलासपुर जिले की कोटा पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर डरा धमका कर कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार करने वाले आरोपी जागे सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया जिले के चर्चा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छिंदाट शासकीय आवास के पास मेन रोड में स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को पकड़कर 70,000 रुपए नकद जब्त किया गया है। दुर्ग जिले की मोहनगर थाना पुलिस व एसीसीयू की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर रायपुर की ओर से आ रही स्कोडा कार को बाफना टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर 2 आरोपी सूरज व विनोद डोंगरे को पकड़कर स्कोडा कार से 2.5 लाख रुपए कीमत का 35 किलो गांजा जब्त किया है। बिलासपुर जिले में कबाड़ के सूरत में चोरी के वाहनों के पार्ट्स को खपाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर सीपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक माजदा से 5 टन कबाड़ के साथ 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीपत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोरबा पाली से माजदा वाहन में कबाड़ भरकर बिलासपुर की ओर जा रहे मनोज केवट और गौरव तिवारी को पकड़कर माजदा से 5 टन कबाड़ जब्त किया है। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में घर आए मेहमान ने महिला से अनाचार किया। जब महिला ने अपने पति को अपने साथ हुई आपबीती बताई तो गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। मामले में नगरी पुलिस ने महिला से अनाचार का आरोपी व हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव का दिग्विजय कॉलेज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बुधवार को कॉलेज परिसर में छात्र नेताओं के बीच जमकर झड़प हुई। यही नहीं, लात घुसे भी चले, जिसके बाद कॉलेज में माहौल बिगड़ गया। आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। दोनों संगठन के छात्र नेता कॉलेज परिसर में ही नारेबाजी करने लगे। जांजगीर जिले के डबरा थाना क्षेत्र में घर से बेमित्र ड्यूटी जाने के लिए निकली युवती को उसका प्रेमी बहला फुसला कर पलगड़ा घाटी ले गया, उसके बाद दुष्कर्म किया। प्रेमी युवक ने जब युवती के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाया तो युवती ने इनकार कर दिया, जिससे आक्रोशित प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। डबरा पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रमोशन और उनके पुत्र की एनएमडीसी में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले महेंद्र तिवारी उर्फ अशोक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में ठगी के एक प्रकरण में जेल में था। किरंदुल पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था। रायगढ़ शहर में एमजी रोड टाउन हॉल के सामने और लक्ष्मीपुर में मेन रोड दुकान का शटर उठाकर अज्ञात आरोपी द्वारा गल्ले से नगद रकम चोरी कर ले गए। तीनों चोरियों में एकरूपता सामने आई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की फुटेज प्राप्त हुए हैं। दुकान के संचालकों के आवेदन पर कोतवाली पुलिस ने 3 मामलों में नकाबजनी का अपराध दर्ज कर लिया है। रायपुर के टिकरापाड़ा थाने में 5 किसानों ने 3 लोगों के खिलाफ निर्माण कार्य में जेसीबी कंपनी का लोडर और हाईवा लगवाने का झांसा देकर उनके वहां लेकर भाग जाने की शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर महासमुंद और बलौदा बाजार के किसान बुधवार को थाने पहुंचे और इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी दी, तब इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। बिलासपुर की तारबार थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट से चाकू मंगाकर बदमाशों को बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 31 नग डिजाइनर चाकू बरामद किया गया है। आरोपी गिफ्ट दुकान की आड़ में चाकू बेचने का अवैध कारोबार कर रहा था। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है।